उसको उस वक्त भी हमने कहा था मोदी जी हार गए हैं, लेकिन चाहे महाराष्ट्र हो चाहे और स्टेट में गड़बड़ की है, महाराष्ट्र के नतीजे भी उससे उससे ज्यादा आने वाले थे अच्छे। हमारी 4 या 5 सीटें लोगों ने चोरी की है, मैं आपको बता रहा हूं। राउत साहब, अब दिख रहा है कि महाराष्ट्र के विधानसभा में विपक्ष के लिए भी कुछ मतलब विपक्ष ये यही लोकसभा लोकसभा के दो चुनाव में 2014-2019 मोदी और शाह ने यही किया था कि विपक्ष का नेता कांग्रेस को नहीं मिलना चाहिए। इस बार भी वही स्ट्रेटेजी महाराष्ट्र में की है कि विधानसभा में कोई विपक्ष का नेता नहीं रहेगा, ये हमेशा बीजेपी की स्ट्रेटेजी रहती है। लेकिन आप कह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ तो है, गड़बड़ क्या है मतलब अभी ईवीएम में गड़बड़ है या अरे भाई छेड़ो, फंडिंग हुआ है, पूरे नतीजे आने तो हम बाद में बात करेंगे, करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। पैसा तो ऐसा है कि हर चुनाव क्षेत्र में नोटों की मशीन लगाई थी। अरे शिंदे का एक भी उम्मीदवार सिटिंग एमएलए गिरता नहीं, और शिंदे ये बोल रहे थे हमारा एक भी सिटिंग विधायक गिरेगा नहीं, आपको मालूम होगा तो मैं इस्तीफा दूंगा। ऐसा होता है क्या चुनाव में कभी हमारा एक भी नहीं गिरेगा? ये कौन सा भरोसा है, ये कौन सी है, ये कौन सा लोकतंत्र है? 200 के ऊपर किसी को चुनाव में नतीजे मिलते हैं क्या? जिस देश में जिस राज्य में सबसे बड़ी बेईमानी हो गई है, इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है, ये नतीजे ऐसे दिए अपने कि आपने राज्य को जनता को बेईमान ठहराया है। नहीं, इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। नहीं, आगे की क्या भूमिका रहेगी? नतीजे कबूल नहीं है, मैं मानता हूं जनता को भी नतीजे कबूल नहीं है, जनता को भी जनता का निर्णय नहीं हो सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूं और मुझे बार बार आप वही सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन जो महाविकास आघाड़ी के कुल आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, कुल संख्या दिखाई दे रहे हैं, उससे ज्यादा शिंदे गुट के कैसा हो सकता है? आप अपने मन को पूछे, आप पत्रकार है, आप अपने मन को पूछे क्या महाराष्ट्र में संभव है? आप अपने मन को पूछे कि महाराष्ट्र में शिंदे को 60 सीटें मिलती है, संभव है क्या? ये अजीत पवार को 40 सीटें मिलती है, क्या ये संभव है? भारतीय जनता पार्टी को 125 सीटें मिलती है, क्या संभव है? क्या इस राज्य की जनता भी बेईमान है? इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है, उसके ऊपर हमारा विश्वास है। चलिए, थैंक यू।